अस्सलाम वालेकुम गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज 8 फरवरी पाकिस्तान में आज इलेक्शन का दिन है और आज ओवरऑल छुट्टी है, तो हम मैच खेलने जा रहे हैं। हार्डबॉल का हमारा मैच है, वो ही करोल घाटी विलेज के अंदर। सो यार, लेट मैं बहुत ज़्यादा हो गया, मेरी आंख बड़ी लेट खुली है। अहमद के साथ ही आज मैं खेलने के लिए जा रहा हूँ, उसका मुझे फ़ोन आया, वो तकरीबन मेरे घर आने वाला है। मैंने अभी तक शूज़ भी नहीं पहने। सो वेलकम हो गया आपका आज न्यू ब्लॉग में। आज हम हार्डबॉल का मैच खेलने जा रहे हैं, सो मैं जल्दी से शूज़ पहन लेता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। सो गाइस, कुछ देर बाद अहमद मेरे घर आ गया था, फिर हम दोनों विलेज जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में पेट्रोल पंप आया, वहां से हमने पेट्रोल डलवा लिया। रात से मैंने कुछ भी नहीं खाया था, इसीलिए रास्ते में एक शॉप आई, वहाँ से हम दोनों ने नाश्ता कर लिया। A few minutes later, नाश्ता करने के बाद हम डायरेक्ट ही ग्राउंड की तरफ रवाना हो गए। नाश्ता करने के बाद बाइक पे 5 से 10 मिनट ट्रैवल करने के बाद हम ग्राउंड पहुंच गए, लेकिन हमारे कुछ लड़के अभी तक नहीं पहुंचे थे।
काफ़ी देर से हम लड़कों का इंतज़ार कर रहे थे, लड़के अभी तक ग्राउंड नहीं पहुंचे थे। मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आ रहा था कि पता नहीं हम क्यों इतनी जल्दी ग्राउंड आ जाते हैं। सो खैर फिर मैंने अपनी कुछ एफिशिएंसी लगाना शुरू कर दी। सीम ही काट सीम ही यार, मैं फड़ी थी वो तैयारी फाली उन्होंने ये भी तैयारी पड़ो बेच कार पूरी इन स्विंग की टिप्स होता है बेच का करती A few minutes later. So guys, कुछ देर बाद आज के मैच का टॉस हुआ। हमारी टीम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और ये हुज़ैफ़ा भाई ने आउट कर दिया। Two hours later. सो गाइज मुखालिफ टीम ने हमें 20 आवर में 223 रन्स का टारगेट दिया। आज के दिन मैंने 4 आवर करवाए और मुझे 43 रन्स लगे और मैंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। नहीं गेम अच्छी है थी। शाबाश शाबाश फ्री का स्कोर मिलेगा। सही सही बहुत अल्लाह बहुत अल्लाह। मैसेंजर नहीं मैं फेसबुक या मैसेंजर तेज हुंदी है बोल ते मैं अमन नु पूछ सीमट पे तो जदे फिर पेस देखया कर सीमट ते तू मेरी नहीं देखी पड़े अभी शाबाश शाबाश मैंने देखया नहीं शाबाश शाबाश करदा सामान ना तेज सामान शाबाश टीम में मजा आंदा ना बाबर तो बगैर बाबर ते बगैर ते फाड़ा कर बाबर ਗ੍ਰਾਂਡ ਕੁੱਤਾ ਹਾਂ ਉਹ ਪੜਾ ਭੈਣ ਜੋ ਬਾਬਾ ਉਹਦੇ ਉਹਨੇ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀ ਲਾਈ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਫੱਕਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਮੰਗੋ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਜੇ ਮਜ਼ਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅੰਡਰ 19 ਆ ਜਾਏਗਾ ਫੱਕਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦਾ ਉਹ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ਜੀ 1 ਵਜੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਫੈਨ ਓਏ ਯਾਰ ਫੱਕਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪੈਰ ਚ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਫੈਨ ਹੋ ਗਏ ਓ ਯਾਰ ਛੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ
ਅਗਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਮਾਬੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਐ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਐ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨਸ ਖਾਨ ਮਿਸਬਾਹ ਲੱਕ ਹੁੰਦੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਯਾਰ ਐ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕੋਹਲੀ ਵੇਖੋ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਕੀ ਭੈਣੀ ਕੀ ਵਾਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਇਹ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਬਾਬੜਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ਜੀ इंडिया वाले न्यूजीलैंड को नहीं जीते वक्फे वक्फे से हमारी टीम की विकेटें गिरती जा रही थी, इसीलिए बैटिंग करने के लिए मैंने भी पैड कर लिए। A few minutes later, सो गाइज आज भी हमारी टीम मैच हार गई। 223 रन्स के हदफ के ताकों में हमारी टीम 171 रन्स बनाकर ऑल आउट हो गई। आज के दिन मैंने 14 रन्स की नॉट आउट इनिंग्स खेली, जिसमें एक छक्का और एक चौका शामिल था। सो गाइज ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। इस व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज। बार बार।